हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मौसमी जूस के बेनिफिट्स के बारे में। मौसमी जूस कितना बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए एंड ऑल टू ऑल हमारे बॉडी के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाइजेशन की इश्यूज़ है तो मौसमी जूस ज़रूर पीजिए। मौसमी जूस काफ़ी बेनिफिशियल है डाइजेशन के लिए। अगर आपको टूथ में कोई पेन है या टूथ में डिजीज़ है या फिर गम डिजीज़ है तो मौसमी उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। कोविड के बाद से बहुत से लोगों को इम्यून सिस्टम की इश्यू हो गई है। अगर आपका इम्यून सिस्टम रिकवर नहीं हो पाया है तो मौसमी का जूस डेली एम्प्टी स्टमक लीजिए, आपके इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की बोन हेल्थ इश्यूज़ है जैसे कि जॉइंट्स पेन या फिर बोन क्रैक करती है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम तो मौसमी का जूस ज़रूर पीजिए, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। जैसे कि हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारी आईसाइट वीक हो जाती है या फिर हमें हेयर फॉल की काफ़ी इश्यू हो जाती है तो मौसमी के जूस पीने से इन सब चीज़ों में भी आपको रिकवरी मिलेगी। सबसे बड़ा इशू है वेट लॉस। कभी कभी हम अपने डेली रूटीन के वजह से वेट ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं या फिर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं तो उससे हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है। आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक मौसमी जूस पी लीजिए, इससे आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। वेट रिड्यूस या फिर वेट पुट ऑन की आपको इशू कभी भी नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है या फिर हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं तो मौसमी का जो जूस है या फिर मौसमी का इंटेक है इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप मौसमी का जूस पियेंगे तो आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जल्दी नहीं लगेगा या फिर आप फ्रिक्वेंटली बीमार नहीं पड़ेंगे। मौसमी के जूस से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है, ये काफ़ी अच्छी बात है और कोलेस्ट्रॉल फैट का घर है। अभी होता क्या है ना कि हमने कहीं देख लिया या फिर हमने कहीं पढ़ लिया तो हम उस चीज़ को चालू कर देते हैं। जैसे कि अभी मौसमी जूस के काफ़ी बेनिफिट्स हमको पता चल गए तो अभी हम क्या करेंगे, जाके तुरंत पीने लग जाएंगे। तो ज़्यादा भी मौसमी जूस मत पीजिए। अगर डेली एक गिलास आप पीते हैं तो काफ़ी सफिशेंट है आपकी बॉडी के लिए। अगर ज़्यादा पियेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है और अगर आप ज़्यादा मौसमी का जूस का इंटेक कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग हो या फिर आपको चक्कर आ सकता है या फिर आपको डाइजेशन की इश्यू हो सकती है। तो जो भी आप पिए या खाएं वो बहुत लिमिट में होना चाहिए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा तो आपकी बॉडी उसको थ्रो बैक कर देगी। ऐसा भी होता है लोगों को ना बहुत ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स होते हैं और उसके पीछे कितना पेन है, कितना स्ट्रगल है, कितना मनी इन्वेस्टमेंट भी है और टाइम भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मौसमी का जूस पियेंगे तो आपको कभी भी ब्लैक हेड्स नहीं होंगे और वाइट हेड्स नहीं होंगे, बल्कि आपकी स्किन डे बाय डे ब्राइटर, क्लियर और ब्यूटीफुल होती जाएगी। अगर आपको सिट्रस एलर्जी है या फिर स्टमक अल्सर है तो इस चीज़ को ज़रूर अवॉइड करिए, मौसमी का जूस इंटेक ना करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज़ नहीं है और आप एब्सोल्युटली फिट है इंटरनली तो डेफिनेटली मौसमी का जूस आप पी सकते हैं बिना किसी टाइप के रिस्क लिए हुए। पर अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ है या फिर आपको लगता है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए मौसमी के जूस पीने से पहले, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, पूछिए कि क्या आप मौसमी का जूस पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, उसके बाद ही कोई दूसरा स्टेप उठाएं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।